वो अपने पति के साथ थी, उसके साथ जिसके साथ उसने शादी की, जिससे उसने प्यार किया है, जिसके साथ साथ फेरे लिए। तेरी तरह नहीं, जो एक नाजायज रिश्ता लेकर अभी के घर पे पड़ी हुई। नाजायज रिश्ता मेरा नहीं इसका है, मेरी अभी से शादी होने वाली है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तेरे सब रिश्ते नाजायज ही। ऐसा तो नहीं कि जैसे निखिल का बच्चा लेके तू अभी के पास पहुंच गई थी कि अभी तुझे अपना ले, वैसे शायद तेरी माँ भी तुझे लेकर तेरे पापा के पास पहुंच गई होगी कि वो उनसे शादी कर ले। बस मेरे पेरेंट्स के खिलाफ एक वर्ड बोला ना तुम्हें, बुरा लगा ना तुझे जब किसी जायज रिश्ते को कोई दूसरा नाजायज बोलता है और गाली देता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। अब तुझे पता चला कि कितना बुरा लगा होगा प्रज्ञा को जब तूने उसके और पूरव के रिश्ते को नाजायज ठहराने की कोशिश की। इस हद तक गिर जाओगे तुम दोनों, मुझे तो कभी, तुम जानते हो ना कि पूरव इसे बहन मानता है। अरे बहन भाई का रिश्ता है दोनों के बीच में, और तुम दोनों ने इतना बड़ा घिनौना इल्जाम लगा दिया दोनों पर। अरे इतना भी नहीं सोचा कि इसका क्या असर होगा। बहन भाई के रिश्ते को इतना नीचे गिरा दो कि तुम अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। मूड मेरा खराब है और कॉफी भी मैं ही बना के लेके जा रही हूँ। टू गुड, क्या करूं, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी देखो मैं, अभी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ बाथरूम में हूँ, आई मीन द वॉशरूम। अभी जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। आया 2 मिनट्स। अभी जब ये बाहर निकलेगा तो मेरे हाथ की कॉफी पी के प्रज्ञा की कॉफी भूल ही जाएगा। मे आई कम इन सर? मना करेंगे तो नहीं आओगी? मैंने सर से पूछा है। तुम्हें यहाँ पे सर दिखाई दे रहे? लगता है ये बाथरूम में, मुझे इनसे बात करनी है कि ये कुछ भी करके पूरब को छुड़वा ले, पर तनु के सामने कैसे बात करूं? देखो अगर तुम यहाँ किसी काम से आई हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अपना काम करवाने बाद में आ जाना, क्योंकि मैं अभी के लिए स्पेशली कॉफी बना के लाई हूँ, तो अभी पहले कॉफी पियेंगे, बाद में कोई भी काम करेंगे। तुम भी खुद बना ली कॉफी? यस, वो भी बिना तुम्हारी मदद के। रेसिपी याद थी? तुम्हारी रेसिपी याद भी किसको करनी थी, मैंने तो ऑनलाइन देखा और कॉफी बनाई, और ऐसी कॉफी बनाई है कि इस कॉफी को पीने के बाद अभी तुम्हारी कॉफी भूल ही जाएगी। सोच लो कहीं पसंद नहीं आई तो कहीं तुम्हारा नाम ही ना भूल जाए। गुड मॉर्निंग फुगी। गुड मॉर्निंग सर। तुम कब आए? बस अभी। गुड। अभी? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई हूं। What are you saying? मेरे लिए? Yes. That's so sweet of you. Wow. अब तुम से सुन क्यों रहे हो? मैं चेक करूं कि कॉफी जली हुई है कि नहीं। मैं तुम्हें जली हुई कॉफी पिलाऊंगी। अगर जली हुई भी हो तो मैं बर्फ लगा के पी जाऊंगा। वैसे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? पता नहीं, एक्चुअली कल रात को पार्टी के बाद ही मेरी आवाज खराब हो गई। अच्छा। छी! क्या हुआ अभी? ये कॉफी या फकॉफी? हाँ? मतलब फटे हुए दूध की कॉफी लग रही है, इससे अच्छा फटे हुए दूध का पनीर ही खिला देती ना मुझे। तुम्हें पता है ना कि मैं अपने कॉफी को लेकर कितना स्ट्रिक्ट हूँ, अगर मुझे अच्छी कॉफी नहीं मिलती तो मेरा मूड खराब हो जाता है, और तुमने सुबह की शुरुआत ही खराब कर दी। प्लीज दोबारा मेरे कॉफी के साथ एक्सपेरिमेंट मत करना, और आज के बाद मेरी कॉफी जो है वो सिर्फ प्रज्ञा बनाएगी। और फिर तुम्ही ने कहा था कि तुम आज के बाद इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो। हाँ कहा था, लेकिन तुम्हारा ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब बैल की जगह खेत में बकरी से हल चलाऊंगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना, इसलिए तुम एक काम करो, मेरे सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट्स मेरी डायरीज तुम प्रज्ञा को दे दो। ऑलराइट? और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा, अगर तुम छोड़कर जाना भी चाहोगी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
हाँ मानता हूँ ये जॉब परमानेंट नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बन गई, इसलिए मेरे छोटे बड़े एक सारे काम तुम ही करोगी। इसलिए आज के बाद तुम वो सारे काम करोगी जिससे मुझे खुशी मिले, और मैं भी वो सारे काम करूंगा जिससे तुम खुश रहो। ये भाई को हो क्या गया? कल तक प्रज्ञा को लेकर गुस्सा थे और आज कहीं पूरब का प्लान सक्सेसफुल तो नहीं हो रहा है? कल जो मैंने तुमसे कहा था उसे भूल जाओ, बस हम दोनों ने एक दूसरे से जो प्रॉमिसेस किए थे ना उसे याद रखना। आज से मेरे सारे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी और तुम्हें खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। चीप प्लास। वैसे तुम ये भाई को इसलिए देने जा रही हो ना कि भाई ने तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पूरब को जेल से छुड़वाया? नॉट बैड, प्रेस करने का तरीका तो काफी अच्छा है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे इंप्रेस करोगी तो फाइनली भाई ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड बन जाएंगे? क्या लगा था तुम्हें लगता है यहाँ पर धमाल सीन होने वाला है? चल मिताली, पकड़ ले अपनी बालकनी वाली सीट। देख रही हो तनु, तुम्हारी और भाई की एंगेजमेंट कराने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, और इसे लगता है कि एक चीप सा बुके लाकर ये भाई को इम्प्रेस कर सकती है, उन्हें अपना बना सकती है, पर इसे पता नहीं है कि हमें प्लान पता चल चुका है। गेम प्लान तो अच्छा है तुम्हारा, तो तुम्हें क्या लगा था कि तुम और पूरा मिलकर अपना पूरा प्लान मुझसे छुपा पाओगे? बहुत पर निकला है ना तुम्हारे, लेकिन ज्यादा मत उड़ो प्रज्ञा, क्योंकि तुम्हारे ये पर ना उस चींटी की तरह है जो सिर्फ दो दिन तक रहते हैं और दो दिन के बाद पता है क्या होता है, उस चींटी की जान भी चली जाती है। जान की धमकी मत दुआ ले, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी जान तुम्हारे भाई की जान में अटकी हुई है, और जब तक वो मेरे साथ है ना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं भी देखती हूँ कि कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ जिसे सारे प्लान पता चल चुके हैं तुम्हारे, और तुम पछताओगी प्रज्ञा, पछताओगी उस दिन को लेकर जब तुमने और पूरब ने साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था। तो अब समझ में आया कि आखिर इतने दिनों से चल क्या रहा था। चलो एटलीस्ट सस्पेंस तो खत्म हुआ, अब आज रात को मुझे ठीक से नींद आएगी। मुझे धमकियां मत दो आलिया, क्योंकि अब तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुम कर क्या लोगी? इनके दिमाग से मेरी यादें मिटा दोगी जो खुद ब खुद इन्हें धीरे धीरे याद आ रही, या फिर इनके दिल से मेरा प्यार हटा दोगी जो ये हर रोज बार बार महसूस कर रहे, या फिर हमारा रिश्ता खत्म कर दोगी जो हमारे दिलों से जुड़ा है। कुछ नहीं कर सकती आलिया, तुम सिर्फ खड़ी खड़ी देख सकती हो हम दोनों को एक होते हुए और तुम दोनों को बर्बाद होते हुए। चलिए दादी, कहां जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा रुको, पछताओगी तो तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ करके? चलिए दा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। बाप रे बाप, ये घमासान तो बढ़ता ही जा रहा है मिताली। मतलब अब तुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि तुझे किस साइड होना है। टेंशन ले रही है, टेंशन तो उन लोगों को लेनी चाहिए कि हमारा अगला प्लान, अगला कदम क्या होगा, और इसी में उन दोनों का दिमाग लगा रहेगा।
पर अभी अभी जो तूने बार कहा के उसने क्या कहा तेरे को? उसे बोल ही सकती, कुछ कर तो सकती है नहीं, इसलिए धमकियां दे रही है। इंदु दादी कहती है ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, खम्मा इधर है नहीं, अपने बाल हमारे सामने नोच नहीं सकती, इसलिए धमकियां दे रही। तू हंस रही है हा? मेरी जान निकलती जा रही है। दादी मुझ पर ना सही, आप कम से कम पूरब के प्लान पे तो भरोसा कीजिए। दादी दो दिन में उसके प्लान ने इतना अच्छा नतीजा दिखाया, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे उनको कुछ कुछ याद आ रहा है। आपको पता है इन्होंने कल रात को क्या किया? तूने बताया ही कहाँ, बता ना। बता। इन्होंने कल वो सारी कसमें दोबारा खाई जो शादी के वक्त ली थी। पति की तरह ना सही, लेकिन एक दोस्त के नाते ही सही। इन्होंने मुझसे वादा किया दादी, मेरी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ और अपनी हर खुशी को मेरी खुशी बना देंगे। अरे तुम्हारा खुद का दिमाग तो चलता नहीं है, तो एटलीस्ट मेरा ही यूज कर लिया करो। किसने अकल दी थी तुम्हें वहां पर जाकर वो सब कुछ करने की? अमिले को वहां उन्हें सुनाने गई थी, उल्टा उस खुद सुनकर आ गई। ये ठीक है, अब और कितना सुनाओगी? बोल दिया ना मैंने कि गलती हो गई। मैं क्या करती यार, जब मुझे पता चला कि वो प्रज्ञा पूरी रात तभी के साथ सड़कों पे घूम रही थी, मुझे गुस्सा आ गया। और उसे सुनाना बहुत जरूरी था, जब तक उसे सुनाती नहीं ना तब तक उसकी अकल ठिकाने नहीं आती। सुनाने के लिए वहां पर जाने की क्या जरूरत थी? आज सुबह घर पे आने वाली थी ना, तब सुना सकती थी उसे। देखो तो? मैं देखो क्या आगे बोलोगी भी कुछ या फिर ऐसी देखती रहोगी? तनु मैं तुमसे कुछ पूछ रही, ये क्या कर? अरे तुम दोनों ना कंटिन्यू करो, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आपके बोलने से डिस्टर्ब नहीं होता, आप खड़ी भी रहेंगी तो भी डिस्टर्ब होगा। मिताली भाभी मुझे कुछ काम था। अरे क्या काम है, बोलेंगी क्यों आई है यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने? वो मैं ना क्या लगा रखा है, कुछ काम है आपको? अगर कोई गॉसिप करने आई तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जाइए। नहीं नहीं आलिया, मैं गॉसिप करने नहीं आई हूँ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। कौन सी बात? वो कॉरिडोर में जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने सब कुछ सुन लिया। मैं सुनना नहीं चाहती थी, नहीं मैं कान लगा के सुनने की कोशिश कर रही थी। वो तो मैं वहां से गुजर रही थी ना, तो सब कुछ अपने आप मेरे कानों में पड़ गया, तो मुझे सुनना ही पड़ा। फिर क्या करती मैं? बात क्या करने आई है वो तो बताइए। हाँ बात ये करने आई हूँ कि आलिया अब तुमने वहाँ चैलेंज तो दे दिया प्रज्ञा को, अब उस चैलेंज को जीतने के लिए कुछ न कुछ तो प्लानिंग की होगी ना तुम दोनों ने। ओ मैं आपको अपना प्लान बता दूँ? राइट, क्यों बताऊँ मैं आपको अपना प्लान? वो चैलेंज जीतने में मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद ही कर दूंगी। नो थैंक्स, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि क्या है ना मिताली भाभी, आपसे बड़ा थाली का बैंगन मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो कभी इधर डुल जाते तो कभी उधर डुल जाते। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी आलिया, मैं ना सरकार बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। देख लो सोच लो, बिना मेरे सपोर्ट के ना तुम जीत नहीं सकती चैलेंज। नहीं चाहिए आपकी मदद और नहीं चाहिए आपके सपोर्ट। क्योंकि क्या है ना, मुझे आपको कुछ भी बताने से पहले ना दो बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कोई बात बताई हो तो मतलब वो पूरे घर में ढिंडोरा पीट कर आप सबको बता ही देती है ना। नहीं नहीं गॉड प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कुछ तो बताओ थोड़ा बहुत तो। नहीं है मेरे पास कोई प्लान। ओके जाइए यहाँ से प्लीज ना आलिया, बाहर चलिए। अरे धक्की क्यों मार रही हो तुम? क्योंकि आप ऐसे मानेंगे नहीं, अभी भी यही खड़ी है, चलिए। अरे जाइए आलिया। बात तो सही है, आलिया ने चैलेंज किया है तो प्लान भी किया ही होगा। आलिया तुमने सच में कुछ प्लान किया है या फिर प्रज्ञा को ऐसी धमकी दे रही थी? अब तुम भी मिताली भाभी की तरह शुरू मत हो जाना। ऑफ कोर्स मैंने कुछ प्लान किया, वरना क्यों बोलूंगी? रियली मुझे भी बताओ। ओके काम डाउन, बताती हूँ। सुनो आजकल मेरे कानों को क्या होता जा रहा है, काम ही नहीं कर रहा लगता है। अरे काम की बातें मुझे सुनाई नहीं दे रही हैं। Oh my God, wow, आलिया, you are genius. क्या प्लान बनाया तुमने? Congratulations, dear. Finally, हमने अपने दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाई दी। अच्छा
तो अपनी भाभी को इसने नहीं बताया, सहेली को बता दिया। ये तो गद्दारी हुई ना, बहुत बड़ी गद्दारी हुई आलिया। देखना ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। देखिए देखिए, वाओ, ये तो बहुत ही प्यारी तस्वीर है। ये कहां से लाई तुमने? पप्पा वालों ने भेजा। हाँ, अच्छा लगा आपको? ये तो बहुत अच्छा है, इसे तो दीवार पे लगा देनी चाहिए। कहा? एक काम करता हूँ, इसे यहीं पर लगा देते हैं। नहीं यार, नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था कि वहां वहां लगाएंगे। जम नहीं रहा है पापा। वो जगह कैसे रहेगा? नहीं वहां नहीं, वहां के लिए फोटो बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या हुआ? देखो उस फोटो में मैं बैठ बैठ कर वैसे भी थक गया हूँ, उसे रेस्ट दे देता। अरे लेकिन देख क्या, आके हेल्प तो करो। हाँ सॉरी। देखो ना, आई मीन तुम और मैं तो फिर भी समझ सकते हैं, यू नो नो वन कैन मिस यूज अस। वो बेचारी ठहरी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, वैसी फैमिली से अगर लड़कियां होती हैं और लड़का उनका मिस यूज करता है तो कितनी बदनामी होती। और ऊपर से प्रज्ञा इतनी सिंपल, इतनी ऑनेस्ट, इतनी आई मीन यू नो शी सो नाइव एंड बोरिंग। रालिया इसमें तुम और मैं क्या कर सकते? आई मीन प्रज्ञा ने कुछ डिसाइड किया है तो सोच समझ के डिसाइड किया होगा ना, और होना तो वही है जो उसकी डेस्टिनी में लिखा है। तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? परेशान कैसे ना होता ना, आफ्टर ऑल मैं भी तो एक लड़की हूँ, और एक लड़की होकर मैं एक लड़की के वेलबींग के बारे में नहीं सोच सकती क्या? यू नो आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट हर कि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, और वो भी इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना गलत। आई मीन मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना तनु। लेकिन आलिया अगर तुम ये बात किसी को बोलोगी भी तो तुम्हारी बात सुनेगा कौन? हाँ तनु, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं भाई के साथ ये बात करूँ या ना करूँ। आई मीन भाई समझेंगे भी या नहीं समझेंगे, यू नो मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ भाई से मैं ये बात। ये लोग प्रज्ञा के बारे में क्या बात करें? आई थिंक मुझे इन्हीं से पूछना चाहिए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। और भाई क्या बोलेंगे? भाई आप क्या बातें चल रही? कुछ भी नहीं। झूठ क्यों बोल रही आलिया? मैंने सब सुन लिया, तुम लोग प्रज्ञा की बातें कर रहे थे। मैंने तुम दोनों से पहले भी कहा था कि मैं प्रज्ञा के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं जानता हूं तुम दोनों इसे पसंद नहीं करते, लेकिन एक बात कान खुलकर सुनो कि प्रज्ञा मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो इतनी इतनी क्यूट है, इतनी इनोसेंट है। ही सिंपल भी। एग्जैक्टली, तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? रहने दो ना उसे। आपको क्यों हर बार ऐसे लगता है कि हम उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं? बोला था ना तनु तुम्हें, मत करो उसके बारे में बात। भाई को हमेशा ऐसे लगता है कि हम जलेसी के मारे या फिर गुस्से में आके उसके बारे में बात करें। लेकिन नहीं, हम दोनों पागल है, पागल है हम दोनों जो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में कंसर्न्ड है। मतलब? वैसे तो हम आपको बताने नहीं वाले थे, लेकिन जानते हैं हम आप, आपको और आपकी सेक्रेटरी को बहुत अच्छी तरीके से, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है ना, अभी आपको इतनी पसंद है वो, और ना सिर्फ आपका बल्कि घर में हर किसी का ध्यान रखती, इसीलिए उसके बारे में सोच रहे थे, उसकी और पूरब के रिलेशनशिप के बारे में। क्या पूरब और प्रज्ञा के रिलेशनशिप को लेकर? मुझे लगता है कि चुप क्यों, बोलो ना। पूरा प्रज्ञा को यूज कर रहा है। मुझे लगता है कि चुप क्यों, बोलो ना। पूरा प्रज्ञा को यूज कर रहा है। आलिया तुम बोलना क्या चाह रही हो? जो बोल रही हो साफ साफ बोलो ना। अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में आजकल
यही हो रहा है, एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब लड़का उब जाता है तो you know, it's always bad for the girl. लड़की बहुत इमोशनली अटैच हो जाती है लड़के से, उसे अपना सा मानने लग जाती है, उसे लेकर अपने पूरे सपने बुनने लग जाती है. लेकिन ऑल आई वॉन्ट टू से इज, मुझे लगता है कि पूरब भी प्रज्ञा के साथ ऐसा ही कर रहा है. आलिया, पूरब ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है, वो प्रज्ञा के साथ ऐसी हरकत नहीं करेगा. आई नो आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपने तो कल खुद देखा है ना वो पूरब ने क्या किया और उसने कैसे बिहेव किया. पूरब, तुमने दादी से क्या कहा है? दादी से बनो मत, मुझे पता है कुछ तो कहा है तुमने उनसे. वो इतना एक्साइटेड हो रही है, जरूर तुमने कुछ अगला प्लान बताया या कुछ तो बताया उन्हें. अरे नहीं, वो तो बस ऐसे खुश हो रही है. जैसे मैं तो कुछ समझती नहीं, मैंने जो पूछा ना उसका सीधा सीधा जवाब दो. पूरब, क्या है तुम्हारा अगला प्लान? दी, आप मेरी बात सुनिए. तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम बस मेरी बात सुनोगे. देखो, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रही हूँ, इसकी वजह से मैं बहुत कुर्बानियां देख चुकी हूँ, और कुर्बानी मुझसे नहीं देखी जाएगी. पूरब, एक रात लॉकअप पे गुजार के तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई, चेहरा उतर गया है तुम्हारा. अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी और गलत होते हुए नहीं देख सकती. दी, आप एक मिनट शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए प्लीज. ठीक है, बोलो. देखो दी, इस बार जो मैंने प्लान बनाया है ना, वो एकदम कोई बात कर रहे थे तुम दोनों, कुछ प्लानिंग व्लानिंग तो नहीं कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ. कुछ कुछ नहीं भाभी, हम बस ऑफिस की बातें डिस्कस. अब रहने भी दो प्रज्ञा, वो जैसे लोग सुन के बता देते ना कि किचन में क्या पक रहा है, वैसे ही मैं लोगों की शक्लें देख के बता सकती हूँ कि उनके दिमाग में क्या पक रहा है. नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, हम सच में. अब रहने भी दो पूरब, मतलब जैसे तुम अगर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे तो मुझे बता ही दोगे, है ना? ऐसे तो है नहीं भाभी. ऐसी कोई बात ही नहीं, अगर कोई बात हो तो बताओ ना, और आप तो फैमिली हो, आपसे क्या छुपाना. ठीक है ठीक है, वैसे मैं यहाँ तुम दोनों की बातें सुनने नहीं आई थी, मैं तो ये बताने आई थी कि अभी ने ना तुम लोगों को बुलवाया है, अभी की अभी. तुम लोग जल्दी चले जाना, मुझे लगता है कि शायद उसके दिमाग में भी कुछ पक रहा है, कहीं वो भी कुछ प्लानिंग तो नहीं करने की सोच रहा. जल्दी आ जाना. अभी क्या है ये सब, क्यों बुलाया इन्हें, क्या काम पड़ गया था? अरे इनका नंबर कैसे मिला तुझे? दादी, आप तो ऐसे चौंक रही है जैसे पंडित जी नहीं पुलिस आ गए. और पंडित जी को मैंने आपके लिए बुलाया, आप तो ऐसे भी जानती है कि मैं भगवान और ये पंचन मंचन पे नहीं मानता ना. वो तो सब ठीक है, पर मेरे लिए क्यों? मेरा मतलब सिर्फ आप ही के लिए नहीं, बल्कि घर के सब बड़ों के लिए भी, और खास करके प्रज्ञा. तुम तो इस सबको मानती हो ना? हाँ, पर आपने बताया नहीं कि किस काम के लिए बुलाया. हाँ तो बस उसी के लिए तो बुलाया, अभी दो मिनट में तुम्हें सब पता चल जाए. पंडित जी मुझे तो लगता है कि मेरे कान कुछ खराब हो गए. आपको सुनाई दे रहा है कि अभी क्या बोल रहा है? अरे तुझे क्या है, कह तो रहा है कि वो दो मिनट में बताएगा, बता तो रहा है वो. ये सब कुछ तुम्हारा प्लान तो नहीं था?
अगर आपने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना मिताली भाभी, तो सबके सामने बता दूं आप। बस मैंने क्या समझाया था और पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। भाई ये सस्पेंस सस्पेंस क्यों खेल रहे, बताना बात क्या है। पूरब तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सबसे पहले मैं तुझे ही बताऊंगा। क्या हुआ, हैरान क्यों हो रहा है? तू ये सोच रहा है ना कि मैं तुझसे नाराज था और अभी प्यार से बात करूं। तू ही तो खुद बोलता है कि मेरा गुस्सा जो है वो पूजे के कपूर की तरह, तो सुबह दादी ने भगवान की आरती की और गुस्सा मेरा उड़ गया। मतलब कि तूने मुझे माफ कर दिया, और माफी नहीं, हमारी दोस्ती जैसी थी वैसी रहेगी। सच बताओ तो अब तो और भी गहरी हो जाएगी। पहले तो मुझे प्रॉमिस कर। कैसा प्रॉमिस? प्रॉमिस कर फिर बताता हूं। लेकिन दैट्स लाइक माय फ्रेंड। जिसकी बेटी है उनको देखना है कि उनको अपनी बेटी को किस घर में देना है। तू बीच में है क्यों बोल रहा है? अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने वो कहावत नहीं सुनी, जब मियां बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी? और वैसे भी आई एम श्योर इसकी फैमिली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, वो लोग पूरब को पहले से ही जानते हैं। मुझे एक बात बता, सरला जी ने तेरे साथ बात की है कभी कि इसकी शादी पूरब से करने वाले वो? नहीं। तो पहले उनसे पूछ तो ले। इसमें पूछा क्या, आई एम श्योर वो लोग भी यही चाह रहे होंगे, वो लोग भी पूरब को अपने घर का दामाद बनाना चाह रहे होंगे। फिर भी एक बार उनसे बात तो करनी चाहिए ना। उनसे तो मैं पूछ ही लूंगा, पहले इन दोनों से पूछ लेता हूँ। अभी मैंने जो कहा उसमें से किसी बात में भी तुम दोनों को कोई एतराज है? है? नहीं है। अरे नहीं। सॉरी, मेरा मतलब है कि ये सब ना मेरी फैमिली को बिना बताए हो रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, अगर ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अभी फोन कर लेता हूँ। अरे यार अभी तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? हमें एक दूसरे को जाने समझने का मौका तो दे। मेरे भाई पूरब ये इंडिया है, यहाँ पर लड़का लड़की पहले शादी करते हैं उसके बाद एक दूसरे को जानते हैं। तू भी एक काम कर, तू पहले शादी कर ले, उसके बाद पूरी जिंदगी बची है एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन यार हम दोनों क्या, हम दोनों क्या, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, रिलेशनशिप में हो, और वैसे भी पूरब रिलेशनशिप में ना ज्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। जिस तरह बिरयानी को ज्यादा पकाने से वो खिचड़ी बन जाती है ना, रिलेशनशिप में ज्यादा रहने से रिलेशनशिप टूट जाती है, तो इससे पहले कि रिलेशनशिप टूट जाए उसे शादी के डोर में बांध ले। और मैं तो फिलहाल सिर्फ एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ यार, अब बड़ों से सलाह मशवरा करके शादी की डेट तुम लोग फिक्स कर लेना। लेकिन दादी जी मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? यार तू एक बार मुझे बता तो देता। मैं क्या, प्रज्ञा को लेकर तुझे कोई डाउट है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। प्रज्ञा के अलावा और कोई लड़की है? यार तू कैसी बातें कर रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या? प्रज्ञा को लेकर तुझे कोई डाउट नहीं है? प्रज्ञा को लेकर तू सीरियस है? प्रज्ञा के अलावा और कोई लड़की नहीं है तेरी लाइफ में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देख इससे अच्छी लड़की तुझे मिलेगी नहीं, फुल शादी मटेरियल है, कुंडली और ये डेट ना रोज रोज मैच नहीं होता है, कर ले शादी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।